महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, आरजेडी को धूमिल करने का पूरा रोड मैप आरजेडी के विपक्षी राजनीतिक दलों ने तैयार कर लिया है। जी हाँ, तभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव को इस तरीके से आरजेडी के विपक्षी बताने में लगे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब ऐसे में जितने भी आरजेडी खेमे के विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो लगातार सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर जनता तक अपनी बातों को रख रहे हैं कि महागठबंधन का नेता कौन है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में जिस प्रकार से बनाई गई है महागठबंधन को, उसमें सभी, लगभग सभी सहयोगी दल जो हैं, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा का यह बयान, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कर्पूरी जी के और कर्पूरी जी के बाद लालू जी के निकटतम सहयोगी रहे आदरणीय रघुवंश बाबू के निधन और निधन के ठीक पूर्व राजद से त्यागपत्र देने की घटना ने महागठबंधन में एक भूचाल सला दिया है। पहले तो जीतन राम मांझी ही नेतृत्व की शिकायत करते थे, अब तो कांग्रेस ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़े या उन्हें मंजूर नहीं है। यह वास्तव में एक ऐसा विषय है जिसे तो महागठबंधन को स्वयं ही तय करना है, लेकिन आपसी विश्वास और आपसी सम्मान के बिना कोई भी गठबंधन संभव कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख कर अब बीजेपी सीधे तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोल रही है। महागठबंधन का नेता ना बताते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को के ऊपर एक तरीके से सवाल भी खड़े कर रही है, जबकि आरजेडी अपने तरफ से यह साफ कर चुकी है कि महागठबंधन का नेता यानी सीएम उम्मीदवार कैंडिडेट के उम्मीदवार के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। अब देखने वाली बात है, जब महागठबंधन का पूरा प्रारूप तैयार हो जाता है, सीटों के बंटवारे हो जाते हैं, उसके बाद आखिरकार सीएम उम्मीदवार किसको घोषित किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार पर। जैसे ही कोई और जानकारी हम तक आएगी, हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। नमस्कार।